Class 5th, today we will understand the chapter 7. The chapter name is Slide Organization in PowerPoint. Okay, so let's start. Question number first is, what do you understand by the text box tool? आप text box tool से क्या समझते हैं? Explain the method to insert a text box in a slide. और बताना है कैसे हम उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं किसी स्लाइड के अंदर. सो द आंसर इज द टेक्स्ट बॉक्स टूल अलाउ अस टू ऐड मोर टेक्स्ट इन अ स्लाइड. टेक्स्ट टूल से क्या कर सकते हैं, हमें अलाउ करता है और ज़्यादा टेक्स्ट को अपने स्लाइड में ऐड करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, हमें वो यूज़ करने देता है. टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन अ स्लाइड, अगर हमें स्लाइड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड करना है, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन, हम न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करेंगे. सेकंड, क्लिक ऑन क्लिक टू ऐड सबटाइटल प्लेस होल्डर, उसके बाद हम कहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक टू ऐड सबटाइटल पे क्लिक करेंगे. उसके बाद एक बॉक्स आ जाता है हमारे पास, सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स टूल, हम उसको क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स टूल को सिलेक्ट करेंगे. एंड द लास्ट रेक्टेंगुलर विद बॉक्स विद द कर्सर इनसाइड इट अपीयर्स, और हमारे पास सामने क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कर्सर Inside it appears. वो हमारे सामने वहाँ पर आ जाता है. Understand? Next one is, how can you apply shadows effect to any shape in a slide? हम अपने images में shadow effect कैसे लगा सकते हैं? So the answer is to apply shadow effect to any shape. So the steps are, select any shape, किसी shape को select करते हैं. Second one, click on shape effects button. हम क्या करेंगे, shape effect button पर click करते हैं. थर्ड वन इज सेलेक्ट द शेडो ऑप्शन, उसके बाद हम क्या करते हैं, शेडो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. क्लिक द ऑफसेट सेंटर, उसके बाद हम ऑफसेट सेंटर पे क्लिक करते हैं. द ऑब्जेक्ट विल अपीयर विद द शेडो, तो हमारे शेडो के पीछे क्या आ जाता है, सॉरी, तो हमारे ऑब्जेक्ट के पीछे क्या आता है, शेडो आ जाता है वहाँ पर. अंडरस्टैंड, ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू अपने ऑब्जेक्ट पे अपने इमेज के किसी भी उसके पीछे हम शेडो इफेक्ट लगा सकते हैं. थर्ड वन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द वर्ड आर्ट फीचर, वर्ड आर्ट फीचर को ब्रीफली शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है. सो द आंसर इज द वर्ड आर्ट फीचर क्रिएट स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट लाइक कट बेबी शोड एंड 3D. इससे क्या कर सकते हैं, हम वर्ड आर्ट से अपने टेक्स्ट को एक स्पेशल इफेक्ट दे सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं. हम अपने टेक्स्ट को कर्व करना चाहते हैं या वेवी करना चाहते हैं या शोड होना करना चाहते हैं, 3D में चेंज करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, वर्ड आर्ट का. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द शेप्स फीचर एंड प्रोसीजर टू इंसर्ट अ शेप इन अ स्लाइड. क्या करना है हमको, शेप के फीचर्स को और प्रोसीजर को कैसे हम उसको इंसर्ट करते हैं स्लाइड के अंदर, इंसर्ट अ शेप इन अ स्लाइड, तो वो हम पढ़ते हैं. सो द आंसर इज शेप इज अ ड्राइंग फीचर डेट हेल्प्स इन इट इंसर्टिंग डिफरेंट शेप्स इनटू स्लाइड. शेप्स क्या होते हैं, ड्राइंग फीचर है, ड्राइंग फीचर होता है जिससे हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड के अंदर डिफरेंट टाइप की शेप्स को वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं. टू इंसर्ट अ शेप, अगर हमें शेप को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट वन इज क्लिक ऑन द शेप्स बटन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेप्स बटन पर क्लिक करते हैं. सेलेक्ट एनी इमेज, उसके बाद कोई शेप सेलेक्ट करते हैं. फोर्थ वन इज पॉइंटर चेंजेस टू प्लस, हम अपने पॉइंटर को किस पे बढ़ाते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, तो हमारा पॉइंटर का साइज क्या होता है, चेंज रहता है. प्लेस प्लस टू द स्लाइड एंड एडजस्ट द साइड, उसके एडजस्ट द साइज, हम जैसे ही उसको प्लस को प्लेस करते हैं और स्लाइड को एडजस्ट करते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या आ जाता है, शेप वहाँ पर आ जाता है. अंडरस्टैंड, ओके. लास्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोटेटिंग एंड रिसाइजिंग ऑब्जेक्ट, क्या बताना है इसमें, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है हमको रोटेटिंग एंड रिसाइजिंग में, कैसे ये दोनों आपस में डिफरेंस होते हैं, तो हम देखते हैं क्या होता है. रोटेटिंग मीन्स टू टर्न एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स सेंटर, क्या करना होता है, रोटेटिंग मीन्स क्या होता है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर पे घुमाना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर पे घुमाना क्या कहलाता है, रोटेटिंग कहलाता है. एंड रिसाइजिंग मीन्स स्ट्रेचिंग और श्रिंकिंग द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रिसाइजिंग क्या कहलाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को बढ़ाना या घटाना, स्ट्रेच करना या श्रिंक करना. Got it? Okay. I hope you all understood
थैंक यू।